क्योंकि आज पूरा देश सही मायने में नरेंद्र मोदी जी से प्यार करता है, उन्हें सम्मान देता है, उनकी इज्जत करता है, और हमने कोशिश की है कि इस फिल्म में उनके एक जो कार्य कर रहे हैं उसका थोड़ा सा रूप दुनिया दिखाए, कुछ उनको दिखाए, और इसीलिए हमने नरेंद्र मोदी जी के नाम का इसमें उपयोग किया। और सेंसर बोर्ड की स्क्रीनिंग कमेटी ने उस पर कोई आपत्ति नहीं की, एज इट इज फिल्म को पास किया गया। कुछ माइनर कट्स थे, न्यूज थे, कुछ छोटे मोटे, वो उनको जमा करा दिए गए। हमारी जो डीसीपी थी वो लॉक कर दी गई है, उसके मेल हमें मिल गए हैं कि आपने सब कुछ प्रॉपर दिया है, आपकी डिफेंस सर्टिफिकेट तैयार है, आप ले जाएं। ये जो सारी स्थितियाँ हो गई हैं, तब मुझे बुलाया गया खुद मुंबई use
पब्लिसिटी तो आपको फायदा देती है, अगर हैवी पब्लिसिटी है तो जो फिल्म देखने लायक नहीं हो वो भी देखी जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। सर फिल्में तो कैसे बताऊंगा, फिर वो आत्मा आएगी, फिर वो दुनिया भर के ड्रामे होंगे। सर ये ड्रामा है, पूरा एक ड्रामेटिकल मूवी है।